प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 पे डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अगर एक बार आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ जाती है तो डिटरमिनेंट आपके लिए कोई भी कठिनाई का विषय नहीं है, क्योंकि सारा कुछ इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो अपन सबसे पहले हम इसका एक्सपांशन देखते हैं कि डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लें, लिंक टाइप करेंगे, लिंक क्लिक करेंगे तो आपको 2/2 के डिटरमिनेंट का पूरा चैप्टर 20 मिनट का है लगभग। आप 20 मिनट स्पेयर करेंगे और आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस वाले वीडियो में आप इसका एक्सपांशन हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसका एक्सपांशन के लिए अपने दिमाग में आप एक बात रख लें। सबसे पहले जो ये कॉर्नर का एलिमेंट है, कॉर्नर के एलिमेंट को आप प्लस ऐसे ब्रैकेट सर्कल में लिख लें अपने दिमाग में रखने के लिए, माइनस प्लस, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। बस आप अपने दिमाग में प्लस माइनस प्लस रख लें। तो ये प्लस माइनस प्लस रखने से क्या होगा कि आप ये समझ लें कि A11 जो है आपका वो प्लस का होगा, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ी दूर पर आप लिख लें माइनस A12। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, A13 लिख दें। A13 किसका लिखेंगे आप, वो देख लें, आपको प्लस का लिखा हुआ है। जब आप A11 लेंगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को गायब कर दें, मतलब छुपा लें। तब आप देखिए आपके पास क्या आएगा, ये चार एलिमेंट्स आएंगे। तो इन चार एलिमेंट्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो लिख दीजिए। अब जब ये A12 लेंगे तो इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे। तो ये चार एलिमेंट्स जो बचेंगे आपके पास, कौन से चार एलिमेंट्स, A21, A23, A31 और A33। इसी तरीके से जब आप ये लेंगे तो इसको छुपा लेंगे, A21, A22, A21, A22, A31 और A32, क्योंकि आपने इसको छुपा लिया था। किसको, इसको और इसको, इस वाले भाग को आप पेंसिल से ऐसा मार्क भी कर सकते हैं। ये जो एक्सपांशन किया है, क्या जरूरी है कि ऐसा ही होगा या कि ऐसा ही होगा, या इसमें केवल तीन एलिमेंट लेना है? यस, इसमें तीन ही एलिमेंट लेना है अगर आपको इससे करना है। तो ये एक्सपांशन जो हमने किया है, ये अलॉन्ग किया है हमने R1। जब हम रो 1 के अलॉन्ग करते हैं तो ये आता है। अब हम जब रो 2 के अलॉन्ग करते हैं तो ये जैसे प्लस है, तो आप कॉर्नर के एलिमेंट को प्लस दें। कॉर्नर के एलिमेंट को क्या मानेंगे आप, प्लस मानेंगे, ये आप ध्यान रख लें। तो जब आप इसको प्लस मानेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। जब यहाँ माइनस आएगा तो फिर सब अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस माइनस। तो अगर मैं इसको अलॉन्ग R2 करता तो क्या होता, अलॉन्ग R2 लिखना होता तो मुझे कैसा लिखता, अलॉन्ग R2 में लिखता यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाता, माइनस। अगर ये माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो अलॉन्ग R2 देखिए माइनस A21, फिर इसके सामने की रो और इसके सामने के कॉलम, इसके सामने की रो और इसके सामने कॉलम को छुपा ले तो आपके पास आएगा A12, A13, A32, A33 प्लस, क्योंकि इसमें कौन सा साइन आया, प्लस का आया, A22, इसके सामने की रो और कॉलम को छुपा लें, ये गया और ये गया, तो आएगा A11, A13, A11, A13, A31, A33 माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है, A23। ये साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गया और ये गया, तो ये आएगा दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, A11, A12, A11, A12, A31, A32। तो ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। ये अलॉन्ग किसके आई, अलॉन्ग आ गई है, ये अलॉन्ग आई है R2 के। अब आप अलॉन्ग R3 करते हैं तो R3 में क्या हो जाता, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस। फिर यहाँ क्या हो जाता, माइनस। यहाँ क्या हो जाता, प्लस। तो अगर आप अलॉन्ग R3 लिखना चाहते हैं तो
अलोंग R3 भी मैं आपको बता देता हूँ, अलोंग R3 कैसे लिखते हैं, सबका वैल्यू सेम आता है। आप एक एक आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे कि सबका वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है। तो इसमें आता A31, ये चला जाता, ये चला जाता, इसके सामने का कॉलम, सामने की रो, तो क्या बचता आपके पास, A12, A13। ये साइन केवल एक्सपेंशन के लिए, अदरवाइज इनका कोई महत्व नहीं है, तो इनको बाद में इग्नोर कर दीजिए आप, जब आप अपना काम करेंगे तब आप अपने दिमाग से हटा दें इनको। A31 देखिए, A31 ये गया, ये गया, A12, A13, A22, A23, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस A32, ये गया, ये गया, तो ये तीन चार एलिमेंट्स आएंगे, A11, A13, A21 और A23, प्लस एक एलिमेंट और आएगा आपका, कौन सा आएगा, A33। A33 करेंगे तो A33 के सामने की रो और सामने का कॉलम ये गायब हो जाएगा, तो सामने की रो और सामने का कॉलम गायब होगा, तो ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास, A11, A12, A21, A22, और फिर आप जो एक्सपांशन 2x2 का करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो एक्सपांशन करके वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही आप इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था दोस्तों कि हमने तीनों रो में से किसी भी रो का इस्तेमाल करके इसका एक्सपांशन करें। अब क्या कॉलम से भी हो सकता है क्या, हाँ कॉलम से भी हो सकता है, अगर कॉलम 1 का यूज़ करते तो फिर हमको ये लेना पड़ता। अगर मैं एक कॉलम से भी लिख देता हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, अलोंग C1, अलोंग C1 लिखा होता तो ये प्लस माइनस, तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी भी पता चलेगी, जब अलोंग C1 है तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस हो जाएगा A11, इसके सामने की रो और सामने का कॉलम A22, A23, A32, A33। साइन कन्वेंशन वैसे ही है, इसको आप प्लस डिसाइड करके दे दे, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर आप कौन सा आ गया, A21, तो ये आ जाएगा आपका माइनस A21। माइनस A21 में कौन सा होगा, ये जाएगा और ये जाएगा, ये चार बचेंगे, A12, A13 और ये, A12, A13, A32, A33, और आखिरी वाला जो है आपका प्लस का हो गया, ये कौन सा हो गया, A31। इसके सामने की रो और सामने का कॉलम गायब कर दें, ये गया, ये गया, ये चार बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास A12, A13, A22, A23। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप सेकेंड कॉलम से चाहते हैं तो यहाँ से माइनस ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस A12, फिर ये जाएगा, ये जाएगा, ये चार बचेंगे, फिर जब ये लेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये चार बचेंगे, जब ये रहेगा तो ये चला जाएगा, ये चार बच जाएंगे, ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। तो पहले एक एक्सपेंशन समझ लें आप, पहला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, 213 121 1 माइनस 12, इसका आंसर जीरो आएगा, आप देखिए जीरो आता है कि नहीं आता है, और हम इसको कॉलम नंबर 2 से करेंगे और रो नंबर 1 से करेंगे, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। इवैल्यूएट दिस अलोंग, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 1, तो रो नंबर 1 पहले कर लेते हैं फिर कॉलम नंबर 2, लोगों की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि वो रो नंबर 1 से ही चालू करते हैं, तो रो नंबर 1 से अगर चालू करना तो आप यहाँ पे प्लस डिसाइड कर लें कोने में, बस ये कॉर्नर डिसाइड हो गया, तो फिर अल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस प्लस। अब प्लस 2 लिया आपने, तो इसके सामने का रो और सामने का कॉलम, ये रो और ये कॉलम छुपा लें,
ये आ जाएगा 2 1 माइनस 1 2, ठीक है। जब माइनस वन आएगा, अब अगर यहाँ भी ये माइनस वन होता, मान लो यहाँ माइनस वन होता, तो माइनस वन और माइनस प्लस हो जाता, फिर वो ये गया और ये गया, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, तो 1 1 1 2 1 1 1 2, फिर ये गया ये गया, 3 इन टू ये गया ये गया, 1 2 1 1 1 2 1 माइनस 1। अब मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आप 2 बाय 2 वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 पर डिस्कशन किया है, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके देखें, 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट का जो चैप्टर वो वीडियो है, वो इससे पहले वाला वीडियो, तो आप उसे भी एक बार देख लें। 2 2 जा 4, देखो 2 इंटू 2, पहले सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, 2 इंटू 2, और यहाँ माइनस आता है, और ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, -1, 1 इंटू 2 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1 -2 इंटू 1। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर क्या आएगा देखते हैं, कैलकुलेट आप कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 10 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, -1 इंटू 1 इंटू 2 2 माइनस 1 1। यहाँ पर देखिए आप, ये कितना हो गया, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, आप जानते हैं -3 हो जाता है, तो ये देखिए आपका कितना आया, 2 5 जा 10 -1 और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9। मैंने कहा था ना 0 आएगा, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि इसका आंसर 0 आए। अगर वो डिज़ाइनिंग आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपसे और शेयर करूँगा और बातें करूँगा। ये हमने किसके अलॉन्ग किया था, R1 से, ये अलॉन्ग R1 के किया था। अब मैं आपको अलॉन्ग R2 के, अलॉन्ग C2 के करता हूँ, अलॉन्ग C2 मतलब C2 से करेंगे अपन, तो C2 के 3 एलिमेंट लेंगे, है ना, ये एलिमेंट कटा देते हैं, ये प्लस है डिसाइडेड है, ये माइनस है अल्टरनेटली चलते हैं, ये प्लस है प्लस के बाद माइनस, तो माइनस के बाद क्या आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा, तो अब कैसे चलेंगे अलॉन्ग C2, अलॉन्ग C2 अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो पहले आएगा आपके पास -1, ये -1 इसके सामने की रो और कॉलम गए, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 1 1 2, फिर +2 आएगा, +2 के सामने की रो और कॉलम गए, 2 3 1 2, फिर आखिरी वाला, तो देखो मैंने कहा था आपको ये माइनस आएगा और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, फिर उसके सामने की रो और कॉलम गया, ये गया और ये गया, तो 2 3 1 1। इसके बाद ही एक सीधे मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, सीधे डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा, तो आपको एक प्रॉपर्टी दिमाग में तुरंत से आ जाएगी, पर आप इसका एक्सपेंशन देख लो, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, तो ये आ गया 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 1, +2, 2 2 जा 4 माइनस 3 4, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 3 4 माइनस 3 1, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 2 माइनस 3। अब -1 प्लस 2 और ये हो गया आपका -1, देख लीजिए इससे भी 0 आई वैल्यू। ये अलॉन्ग किसके किया हमने, ये अलॉन्ग किया C2 के, और अलॉन्ग R1 के किया, R1 के अलॉन्ग भी क्या है, 0 है। आप और भी आप एक्सपेरिमेंट करें, अलॉन्ग C3 निकालें, अलॉन्ग R3 निकालें, अलॉन्ग R2 निकालें, और मुझे बताएं कि सर ये आंसर आपका सही है या नहीं है। और आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ये 0 के लिए ट्रू है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन ले लें, 1 2 3 2 3 1 0 1 0, इसका आंसर आपका 0 नहीं आएगा, और आप सब के अलॉन्ग करें, अलॉन्ग किसके करें, R1 के कर लें, अलॉन्ग R1 के करें,
R2 के करें, R3 के करें, C1 के करें, C2 के करें और C3 के करें। आप चेक करें कि बराबर आता है कि नहीं आता है। तो ये आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, बहुत आसान काम है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा था आपको कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ, तो वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी? तो वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप खुद ही देख के बता देंगे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को नंबर दे देता हूँ मैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लें कि आपको अगर बोला उन्होंने इवैल्यूएट करो 0, 1, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 4, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा ना, क्यों? क्योंकि आप किसके अलाउंग करोगे? अगर आप इसको अलाउंग किसके करना चाहोगे, अलाउंग C1 के करोगे तो अलाउंग C1 के क्या आएगा? अलाउंग C1 के 0 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी लोगे 0 × क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या बनी? अलॉन्ग C1 करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मान लो अगर ये डेल्टा है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। किसी के भी अलॉन्ग करो तो प्रॉपर्टी क्या बनी? तो प्रॉपर्टी ये बनी इफ एनी ऑफ द रोज और कॉलम्स इज कंप्लीटली 0, कंप्लीटली 0, अगर 0 है देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होगी? देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई भी रो 0 है तो हम उसी से सॉल्व करेंगे, कोई भी कॉलम 0 है हम उसी से सॉल्व करेंगे। अब इसमें 0 का बहुत ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंस है। आइए अब और आगे की प्रॉपर्टी सीखने के लिए आप और साथ में बने रहे, सारी मैं प्रॉपर्टी सिखा दूंगा आपको। अब 4th क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है 1, 2, 3, 2, 1, 4, 0, 1, 1, 0। तो आप क्या करना चाहोगे, कहाँ से सॉल्व करना चाहोगे? आप स्वाभाविक बात है कहाँ से सॉल्व करना चाहोगे इसको? अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है कि इवैल्यूएट दिस, तो इवैल्यूएट करने के लिए आप कौन सी वाली कॉलम का यूज़ करना चाहोगे? तो कौन से वाले कॉलम का यूज़ करना चाहोगे? तो आप चाहोगे कि मैं इसको अलाउंग C3 करूँ। अगर अलाउंग C3 करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ प्लस आएगा तो प्लस माइनस प्लस। अब अगर आप इस पे प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर क्या करेंगे हम? फिर चालू कर देते हैं इसका एक्सपांशन। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये ले लें 3 × ये गया और ये गया 2, 1, 1, 1, ठीक है। फिर माइनस 0 × तो 0 × लिखने की क्या ज़रूरत है? वो तो 0 ही होना है। प्लस 0 × लिखने की क्या ज़रूरत है? वो तो 0 ही होना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2, 1 जा 2, -1, तो 3 × 2, -1, 2 - 1 is 1, ये कितना आ गया आंसर आपका? आंसर आपका इसका 3 आ गया। अगर आप चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई देखें दूसरे से आता है कि नहीं 3 आता है, तो आप R1 से भी करके देख सकते हैं। R1 से मैं आपको बता देता हूँ R1 से करना, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? प्लस माइनस प्लस। अब अलाउंग R1 क्या अलाउंग? तो प्लस 1 वो गया, ये गया, क्या बचेगा आपके पास? 1, 0, 1, 0, -2 उसके सामने की रो गई, कॉलम गया 2, 0, 1, 0, अब +3 उसके सामने की रो और कॉलम 2, 1, 1, 1, अब आप देखिए क्या आएगा, this into this -this into this 0 ही हो गया, 1 × 0 -2 × this into this -this into this 0, 3 × वही हो गया 2 × 1 - 1 × 1 2 - 1 1, तो ये आंसर आ गया आपका 3। आप और भी दूसरी रो इस्तेमाल करें,
दूसरा कॉलम इस्तेमाल करें, कोई परेशानी की बात नहीं। तो आपने ये देखा कि इसमें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो वहीं से सॉल्व करना हो तो ही अपने को फ़ायदा होता है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा जीरो वाली रो या ज़्यादा से ज़्यादा जीरो वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लिया तो आपका आंसर श्योर शॉट और बहुत जल्दी से आएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपको मैं एक 5 बताता हूँ, 210 120 310। तो कहाँ से सॉल्व करेंगे आप? यहीं से सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? जीरो, देखते से ही आ जाएगा जीरो। और वही हमने प्रॉपर्टी भी लिखी हुई थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जीरो यहाँ हो, यहाँ पर कुछ और हो, तो फिर आप कहाँ से सॉल्व करोगे? तो नेचुरली आप R3 से सॉल्व करना पसंद करोगे या फिर आप C3 से सॉल्व करना पसंद करोगे। तो C3 और R3 से दोनों से एक जैसी वैल्यू आएगी। देखो अलोंग C3 लेता हूँ, अलोंग C3 क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कौन आएगा? प्लस आएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस का हो गया और उसके सामने की रो और कॉलम गए 1 2 3 0। आगे का लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे के तो सब क्या होंगे? माइनस 0 × 0 प्लस 0 × सब 0। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1 × this × this माइनस दिस माइनस 6। अब अगर आप अलोंग R3 करते हैं तो देखिए ये वैल्यू आती कि नहीं आती है। अलोंग R3 करें तो प्लस माइनस प्लस, प्लस यहाँ डिसाइड होता है सबसे कॉर्नर में, सबसे पहले प्लस ही डिसाइड होता है, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 और ये गया और ये गया तो क्या बचेगा? 1 1 2 0। इसमें भी आगे के लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे के सब 0 0 है। देखिए 3 × this × this माइनस दिस, ये कितना आया? 0 − 2। इससे भी आंसर कितना आ रहा है? −6। उससे भी आंसर −6। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो वहीं से हमें सॉल्व करना है और उसी से हमको फ़ायदा मिलने वाला है। अब इसमें एक आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। सिक्स्थ में एक नंबर ले लेते हैं हम, ध्यान से देखिए 1 1 2 और यहाँ पे ले लिया मैंने 1 1 1 0 1 2 और इसको इवैल्यूएट करते हैं, है ना? इवैल्यूएट, ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने, इवैल्यूएट दिस एंड इवैल्यूएट डेल्टा आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन। एक ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी इवैल्यूएट करना। ऑपरेशन R1 में R1 − R2 अप्लाई करके एक ऑपरेशन भी अप्लाई करना, फिर उसके बाद इवैल्यूएट करना है, फिर हमें थोड़ा सा इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी इसको इवैल्यूएट करने को दिया है, किसी भी रो से इवैल्यूएट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। इस कॉलम से करते हैं, अगर अपन किससे करते हैं अलोंग सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम अलोंग C1, अगर अलोंग C1 करते हैं तो क्या आ जाएगा? प्लस 1, ये गया और ये गया 1 1 1 2, −1, ये गया और ये गया 1 2 1 2 और 0 है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप देखिए इसका क्या आएगा वैल्यू, 1 this × this − this 2 − 1 1 −1 2 × 1 − 2 × 1 प्लस, ये तो 0 ही है तो आपका वैल्यू कितना आ गया? 1, क्योंकि ये 0 है तो 1 − 0 आंसर आपका आ गया 1। अब आप ये वाला ऑपरेशन लगा दें, ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे जब आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन जब आप लगा देंगे रो नंबर 1 में रो नंबर 2 माइनस कर देंगे तो दिस माइनस दिस क्या बन जाएगा आपका? 0। दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा? 0। और 2 − 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 1 1 0 1 2 किधर से भी आप चाहें तो कर लें, जहाँ से हम कहाँ से करना चाहते हैं, जहाँ से ज़्यादा जीरो, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ से किसी से भी निकाल लें। इसको क्या नाम, प्लस माइनस क्या बोलेंगे? प्लस।
अब ये आया तो ये गया और ये गया, तो क्या बचेगा आपके पास, वन इन टू, ये गया 1101। ये देखिए आप, इसकी भी वैल्यू क्या आई, इसकी भी वैल्यू क्या आई, वन आई। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक रो में से दूसरी रो को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तकरीबन 25 मिनट हुए, हमने काफ़ी सीख लिया, और आपको ये जो अगली प्रॉपर्टी है वो अगली प्रॉपर्टी में लिख के बताता हूँ। ये एक एग्जांपल से इसलिए मैंने इसको करेक्ट किया था कि आपको ध्यान रह जाए, और आई होप ये 6th एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल हमारा 7th होगा। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रो को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और एक और चीज मैं बताता हूँ, ऐड भी कर सकते हो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हो, और कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके करना है तो भी उसको मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ये किस में करेंगे आप, RI में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ऐसा कि ऐसा आप कॉलम में भी कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज आप बॉक्स में लिख लें, कॉलम में भी ऐसे ही कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को कुछ किसी भी नंबर से, अगर उधर लैम्डा लिखा तो यहाँ म्यू लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो मैं आपको 7th क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। ये लिखा है 2 2 4, यहाँ लिखा है 1 1 2 0 1 3। अब इसका वैल्यू जीरो होगा, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में गारंटी के साथ बताया था, वैसे अब मैं थोड़ी सी बात और समझाता हूँ आपको। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूँ तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ये कम्प्लीटली जीरो होगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जो पहली प्रॉपर्टी थी कि इफ़ एनी ऑफ द रोज और एनी ऑफ द कॉलम्स इज कम्प्लीटली जीरो, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। पर अब समस्या क्या है, पहले अपन इसको डायरेक्ट इवेल्युएट कर लेते हैं, डायरेक्ट इवेल्युएट करते हैं अलॉन्ग R1 के, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो अलॉन्ग R1 करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, ये गया 1 1 2 3, माइनस 1, ये गया 2 1 4 3, और आखिरी वाला प्लस 0 है, तो उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो 0 हो ही जाएगा। इसकी वैल्यू देखो क्या आई, 2 इन 2 3 माइनस 2, माइनस 1 इन 2 6 माइनस 4 = 2, ये कितना है, 3 माइनस 2 1 1 इन 2 2 2, माइनस 6 माइनस 4 कितना होगा, 2। देखो वैल्यू कितनी आई, 0। अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, कौन सा ऑपरेशन, कॉलम नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 2 को माइनस अगर कर दो कॉलम नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा आपका, तब ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मान लो कि ये डेल्टा है, डेल्टा या डी कुछ भी लिख दें, तो ये कितना होगा, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे, 0 0 0। इसमें कोई चेंज मत करें, आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, बिल्कुल इसी तरह का काम है। अब इससे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों 0 आना है, क्योंकि एक कॉलम कम्प्लीटली क्या हो गया है, 0। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और इसका मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ, कोई भी रो आपस में किसी भी रो के साथ ऐड हो सकती, कोई भी कॉलम किसी भी कॉलम के साथ ऐड हो सकता है, 2 कॉलम 3 कॉलम भी ऐड हो सकते हैं। मैं आपको इसका एक इम्पॉर्टेंस और बताता हूँ, अदरवाइज आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना कठिन हो जाएगा। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। आप देखो अगर आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो क्या होगा, बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो दोस्तों, रो नंबर 1 में रो नंबर 1 भी ऐड कर दो, 2 भी ऐड कर दो, सॉरी रो नंबर 1 में 2 और 3 ऐड कर दो, यानी तीनों को आपस में ऐड कर दो, तो
तो अगर ये दोनों ऊपर जाके ऐड होती हैं इसमें जाके, ये दोनों ऊपर जाके इसमें ऐड होती हैं, तो देखो क्या होने वाला है। ये जाके ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ऐसे यहाँ भी होगा, जैसा इसमें हो रहा है वैसे इसमें भी होगा, ऐसे ऐसे ऐड होंगे सारे के सारे। देखो आप क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ नीचे कोई चेंज नहीं होगा। b माइनस सी सी माइनस ए, सी माइनस ए ए माइनस बी, ये कितना हो गया a माइनस बी बी माइनस सी, ये भी जीरो है, सब कैंसिल हो गए ना। ऐसे ही वहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, जगह कम थी तो मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया, तो यहाँ भी जीरो आ गया। तो एक रो में जब सारे जीरो तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो इस पर्टिकुलरली इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब मैं आपको, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ, आप उसको भी देखिए। यहाँ पे दे दिया है आपको एक्स प्लस टू वाई, और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए आपको x प्लस थ्री वाई, यहाँ पे दे दिया आपको x प्लस फोर वाई, और यहाँ दे दिया आपको, ध्यान से देखना, वन 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 टू थ्री फोर। तो कैसा ऑपरेशन लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिले, तो कैसा ऑपरेशन लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो के लिए आप एक ऑपरेशन लगा सकते हो, R1 में R2 को x माइनस करके मल्टीप्लाई करो, तो ये x खत्म हो जाएंगे। और इसको किससे मल्टीप्लाई करके दो, इससे, इसको y से करो, दोनों ऑपरेशन अगर साथ में लगा देते हो आप तो भी आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करके और इसको y से, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। जब आप इसको x से करोगे तो कट जाएगा, जब इसको y से करके करोगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अब आपको गारंटी हो गई। तो देखने में ज़रूर ये क्वेश्चन क्या था, बड़ा लग रहा था पर, और अगर आप डायरेक्ट एक्सपांड करते तो भी वैल्यू इसकी ज़ीरो ही आती, तो इसकी कोई दूसरी वैल्यू नहीं आती, तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाती, ज़ीरो आ जाती। अब मैं आपको कुछ इसके आपकी बुक के भी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ताकि आपको बेहतर कॉन्फिडेंस आ सके और आप आगे बढ़ सकें। 32 मिनट्स लिए आपके दोस्तों, और इतना कुछ सीख लिया हमने अभी, और मैं प्रॉपर्टीज़ आपसे डिस्कस करूँगा, फिर मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आपको रिव्यू करके एक साथ समझाऊँगा। अब आपके एनसीईआरटी का देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, हमारे इसमें तो 10th क्वेश्चन फंसेगा वो। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई वन वन वन, इसकी वैल्यू निकालना है। वैल्यू तो इसकी भी जीरो ही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली समझ लें। पहले हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं, R1 में R2 को ऐड कर देते हैं, तो फिर ये यूनिफॉर्म बन जाएगा, R1 में R2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर लिख देंगे अपन जेड एक्स वाई जो है वो लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, वन वन वन। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने उस पर डिस्कशन नहीं किया है, तो अगर आपके दिमाग में कोई धुंधली धुंधली तस्वीर हो, हल्की फुल्की हो, तो आप अभी रहने दें, अगले में हम उसको समझते हैं, इसके बाद ही मैं उस प्रॉपर्टी को लिखूंगा। यहाँ पे देखो आप R1 में R3 को मल्टीप्लाई कर दें, ओ सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दें, पर क्या मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब आप इसको x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ज़ीरो। ये भी क्या बन जाएगा, ज़ीरो। ये भी क्या बन जाएगा, ज़ीरो। जेड एक्स वाई,
111. क्या आंसर आ गया आपका? आंसर 0. क्यों? क्योंकि ये रो कम्प्लीटली 0, इसी रो से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा. अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख के मैं फिर कॉमन वाली चीज़ों पर आपको डिस्कस करूँगा. तो क्वेश्चन होगा हमारा 11, लेकिन पहले इम्पॉर्टेंट पहले उस प्रॉपर्टी का जिक्र करें. तो उस प्रॉपर्टी के जिक्र के हिसाब से दो रो अगर एक जैसी हों, दो कॉलम एक जैसे हों, तो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं उसका. ध्यान से देखो, अगर आपके पास यहाँ भी ए बी सी लिखा है, यहाँ भी आपके पास ए बी सी लिखा है, यहाँ कुछ भी लिखा हो एक्स वाई जेड, तो आप क्या करोगे? आपको मालूम है कि किसी भी रो में से किसी रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी कॉलम में से किसी कॉलम को. तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे C1 में से C2 को. तो C1 में से अगर C2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे बच्चों, या C2 में से C1 को कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 ए बी सी एक्स वाई जेड. कहाँ से सॉल्व करना पसंद करोगे? जब कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो तो यहीं से करोगे ना. क्यों? क्योंकि इसमें सारे 0 हैं, तो आंसर क्या आएगा? 0. तो ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है जब दो रो एक जैसी हों या दो कॉलम एक जैसे हों. तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारे 0 हो जाएंगे. तो एक ये भी प्रॉपर्टी आ गई आपकी. प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी आती जा रही है, आपको याद होता जा रहा है. इफ एनी टू और मोर रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. कब कब? पहले एक बार आपने देखा कि कोई भी रो 0 हो, कोई भी कॉलम 0 हो तो 0. अगर दो रो और दो कॉलम एक जैसे हों तो 0. तो ये आपने 0 की बातें समझ ली. अब एक और प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा था मैं आपसे शेयर करूँगा, कॉमन निकालने वाली, तो वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ उस प्रॉपर्टी को. बहुत सिंपल है प्रॉपर्टी. अगर यहाँ पे लैम्डा लिखा है, ध्यान से देखिए, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, यहाँ लिखा है म्यू एक्स म्यू वाई म्यू जेड, यहाँ पे लिखा है न्यू पी न्यू क्यू न्यू आर. तो आप पहले वाले में से क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा. तो पहले वाले में से लैम्डा निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी. दूसरे में से भी निकाल सकते हैं म्यू, और तीसरे में से निकाल सकते हैं न्यू. तो ये हो जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. अगर आपके पास ऐसा होता तो इसका मैंने 2x2 वाले डिटरमिनेंट में भी डिस्कशन किया था, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड लैम्डा पी लैम्डा क्यू लैम्डा आर. तो मैट्रिक्स जैसा इसमें नहीं होता, इसमें से एक लैम्डा निकलेगा बाहर, एक लैम्डा इसमें से निकलेगा, एक लैम्डा इसमें से निकलेगा, तो तीन लैम्डा निकलेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? लैम्डा क्यूब हो जाएगा. ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. तो ये लैम्डा कैसे निकलेगा आपको मैंने बता दिया कि कॉमन निकालने की भी थ्योरी कैसी है, कि कॉमन एक ही रो में से निकल सकता है, एक ही कॉलम में से निकल सकता है, कॉलम में से भी निकल सकता है. जैसे मैंने रो में से निकाला ना, वैसे ही कॉलम में से भी निकल सकता है. देखो कॉलम में कैसा होता, यहां पे लिखा होता लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, यहां पर लिखा है एक्स वाई जेड, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें लिखा है के पी के क्यू के आर. तो क्या क्या बाहर निकल सकता है? इससे लैम्डा बाहर निकल सकता है और इससे के बाहर निकल सकता है. तो हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा? लैम्डा बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा आपके पास? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. तो ये एक अगली प्रॉपर्टी है
एक मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल मैं प्रॉपर्टीज़ का ही डिस्कशन करूंगा, सारी प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अगले वीडियो में आप साथ बने रहना, आपको और सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा मैं और उनको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके हैं और आप हो सकता है एग्जॉस्ट हो गए हों, तो आप इतना ऑब्जॉर्व करें धीरे धीरे। अगली प्रॉपर्टीज़ के लिए आप अगले वीडियो में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चैनल लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और आगे बढ़ते हैं। दूर दूर तक मैसेज पहुंचा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें। मैं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स ओनली, और अवार्ड ढेर सारे हैं, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी भी हूँ और आप ढेर सारे अवार्ड भी मिले हैं। आप गूगल करके मेरा नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।